नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के बाद आरएसएस लगातार हमलावर हो रही है। इसी कड़ी में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बताते चलें कि इंद्रेश कुमार ने कहा है कि बीजेपी अहंकारी हो गई थी, इसीलिए भगवान राम ने उन्हें 241 सीटों पर ही रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें 234 पर रोक दिया। इंद्रेश कुमार जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चुनाव में बीजेपी को बहुमत न मिलने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम उनके रवैये को दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने भक्ति की, लेकिन बाद में उनमें अहंकार आ गया था, इसीलिए भगवान राम ने उन्हें 241 सीटों पर ही रोक दिया। जबकि जिन लोगों ने राम का विरोध किया उन्हें सिर्फ 234 सीटों पर ही रोक दिया। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार का कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ा। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, इन लोगों ने पहले राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार आ गया। सबसे बड़ी बात तो बन गई, लेकिन अहंकार के कारण भगवान राम ने उन्हें रोक दिया। जिन लोगों ने राम का विरोध किया उनको सत्ता नहीं मिली, सब लोग नंबर दो पर रह गए। आरएसएस नेता ने आगे कहा कि भगवान का न्याय हमेशा सच्चा और आनंददायक होता है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें हमेशा विनम्र होना चाहिए, विरोध करने वालों से भगवान खुद निपटते हैं। भगवान राम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं, राम किसी को विलाप नहीं करवाते हैं, वो सभी को न्याय देते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।